आम आदमी पार्टी को आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो इसको लेकर आज मोहाली में बड़े स्तर पर एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें खास तौर पर जो है बस्ती पठाना से एमएलए रुपिंदर सिंह हैप्पी भी पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं पार्टी की इतने समय की मेहनत रही है और आखिरकार उनको अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है? सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी को, भगवंत सिंह मान साहब को और हमारे वॉलंटियर्स को, जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक जो लेके आए हैं और बड़ी बहुत जल्दी पार्टी ने ग्रो किया और बहुत जल्दी हमारी नेशनल पार्टी का जो दर्जा मिला है। सो सारे वॉलंटियर साहबान जो हमारे हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी वजह से ही हम लोग हैं, अगर हम विधानसभा में भी हैं तो इन्हीं की वजह से हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये हमारा ऐसे साथ देते रहे, हम पर आशीर्वाद बना के रखें, आगे भी काम करते रहेंगे। और अभी बहुत लंबा जो रास्ता है वो तय करना है, बहुत देश को बहुत उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, आम लोगों को बहुत उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से, सो आम लोगों को बहुत उम्मीद है भगवंत मान जी से। तो इसीलिए बहुत बड़ा हमारा रास्ता है, इसीलिए आज हम ये जहाँ पे जो खुशी मनाई गई है आपस में, तो एक प्रण भी लिया गया है कि आम आदमी पार्टी के लिए और अच्छे तरीके से काम करेंगे। सभी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस पर फोकस रहेगा? देखिए, हमारी रणनीति पहले भी मैंने आपको कहा है कि हम तो मुद्दों की सियासत पे बिलीव करते हैं, जैसे हेल्थ का सिस्टम सुधारना है, एजुकेशन का लेवल ऊपर लेके जाना है, और जैसे हमने पंजाब में बिजली के पे काम किया, आज 90% लोगों का जो बिजली बिल है तकरीबन वो जीरो आ रहा है। सो हमारे जो मुद्दे हैं लोगों के मुद्दे हैं, हमारी रणनीति राजनीति ये चीज़ें वर्ड थोड़े पहले यूज़ करते थे, हम तो मुद्दों की बात करते हैं जो हम लोगों हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए थे पंजाब में, लोगों को ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सो उस बड़ी बातों से नहीं, आम छोटे लोगों की भी हमें बातें सुननी करनी पड़ेगी। सो इसीलिए हम आम आदमी पार्टी जो है आगे ग्रो कर रही है। अब 2024 में जो है जलंधर के उपचुनाव आ गए हैं, इससे पहले एक जो संगरूर का उपचुनाव था वो आम आदमी पार्टी हार चुकी है, तो दूसरा जो चुनाव है इसको कितना आप जरूरी और चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, हार जीत जो है जो जिंदगी में चलती रहती है, तो इसको वो बड़ी बात नहीं है। तो अब जो जलंधर का जो हमारा चुनाव है, वो अब मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। हमारे सारे वॉलंटियर साहबान वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और लोग भी वहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया है, अभी सरकार एक साल हो चुका है, देख लिया है भगवंत मान जी की सरकार, हमने 27-28 हज़ार नौकरियाँ दे दी हैं और कच्चे मुलाजमों को पक्के कर दिया है, जो फसलों की है वो राशि पकाया थी वो भी गन्ने की राशि दे चुके, बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। आज कोई भी आदमी बिजनेस करना चाहे, कारोबार अपना करना चाहे, तो पंजाब में एक उसको हम माहौल देते हैं कि उसको ये नहीं कि पुराने लीडर्स की तरह वो आप पता है आपको कैसे करते थे हिस्सेदारी करते हैं परसेंटेज, यहाँ पे नहीं है। आप कोई भी NOC ले, अपना काम पूरा लीगल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, सो लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। तो उसमें जलंधर में भी बहुत काम हुआ है, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि जलंधर में हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। माहौल देने की बात आप कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किस तरह से देखते हैं? पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो या सरेआम गोलीबारी की घटना हो, आज ठीक ऐसी ही घटना जो है बठिंडा में भी हुई है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो घटनाएं हैं, जो कुछ शरारती अंसर जो समाज में रहते हैं, उनको जरूर उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। देखिए, मैं ठीक है, वो मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला जी का जो कत्ल हुआ है वो सबके लिए बहुत दुखदायी घटना है, उस पर भी काम किया गया, बहुत सारे जो लोग हैं उनको पकड़ के जेलों में बंद किया गया है। सो ऐसी बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, CM साहब हमेशा उस पर उसकी ऑब्जर्वेशन में उनको रखा गया है, सारे लॉ एंड ऑर्डर को CM साहब द्वारा। तो ऐसी इसको बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी, आप देखिए आपको भी पता ही है, ये तो चलो क्वेश्चन है, आपका भी फर्ज बनता है, आपने पूछ रहे हैं, पर एक्चुअल में आप भी जानते हो कि पहले से बेहतर है, पहले से बहुत अच्छा काम हो रहा है, उन जो दूसरी पार्टियों में हो रहा था उससे तो बहुत हम अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करेंगे। बहुत जल्दी आपको दिखूंगा, आप बिल्कुल फेयर दिखेगा सारा कुछ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। सवाल मैं लूंगी, पिछले दिनों जो कैंपेन चलाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, मोदी हटाओ देश बचाओ का, तो किसको चाहते हैं कि उनकी जगह कौन आए और देश को संभाले? आप किसको चाहते हो? मेरे आप भी जनता में आते हो, मैं भी जनता, जनता ही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी आए, सभी का ये जवाब सभी लोगों को पता है, उनको भी डर इसी बात से है ना। देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, एक नारा दिया कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उससे क्या प्रॉब्लम है, पहले भी नारे चलते हैं, अब उनको लगा कि इन्होंने नारा दे दिया तो अरविंद केजरीवाल जी ने नारा दिया, तो बस प्रॉब्लम ये है।
पोस्टर लगाने पे प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं आपने इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको मेरे बारे में बुरा भला सोशल मीडिया पे बोलता है, बहुत चीज़ें बोलता है, तो मैं उससे क्या, ठीक है यार उसकी अपनी सोच है, मैं तो इस डर में, डर किस बात से होता है, अगर आपको अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखता है तो इसी बात से डर है, तो मोदी हटाओ देश बचाओ जो नारा दिया है, तो सभी ये अरविंद केजरीवाल जी ने का नारा नहीं है, सारे देश का नारा है, आम लोगों का नारा है, सो आप लोगों का भी ये नारा, आप भी सभी लोग आम भी लोग आम जनता हैं, सो आप रिपोर्टर होने से पहले एक आम लोगों में हम लोग आते हैं, मैं MLA से पहले एक आम आदमी हूँ, सो इसीलिए हम लोगों का जो देश में हालात हुए हैं उसको सुधारने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि शिक्षा, हेल्थ, करप्शन फ्री सिस्टम, इन पे बहुत फोकस किया जाएगा, बहुत फोकस आगे भी किया जा रहा है, सो हमारा जो फोकस है इसी पे ज़्यादा, तो यही आम लोगों की ज़रूरत भी है, इसीलिए ये नारा दिया गया, और आप भी साथ दीजिए अरविंद केजरीवाल जी को, हम आगे लेके आएंगे, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वैसे पठाना से MLA रुपिंदर सिंह हैप्पी, जिन्होंने आज पार्टी के राष्ट्रीय को दर्जा मिल जाने के बारे में बातचीत की, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक नारा जो है वो दिया गया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि इनका कहना है कि जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है 2024 में प्रधानमंत्री के बतौर जो है वो उभरे। अब देखना होगा कि 2024 की जो तैयारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी शुरू कर दी गई है।